यूं तो हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन 11 मार्च 2021 से शुरू हो चुका था, लेकिन आधिकारिक तौर पर होली के बाद 1 अप्रैल से हरिद्वार महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। हरिद्वार के इस महाकुंभ में करोड़ों लोगों के आने की संभावना है। इस महाकुंभ में अप्रैल के महीने में 3 शाही स्नान होने वाले हैं, जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो ऐसे में यह जानना भी जरूरी हो जाता है, हरिद्वार महाकुंभ 2021 के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं और आने वाले श्रद्धालुओं को क्या क्या तैयारियां करनी होंगी, क्या विशेष प्रबंध किए गए हैं, क्या क्या श्रद्धालुओं को करना होगा। ये समस्त जानकारी हरिद्वार महाकुंभ 2021 से संबंधित इस वीडियो में कवर की गई है। वीडियो को अंत तक एक बार जरूर देखिएगा, आपको हरिद्वार महाकुंभ के सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। चलिए अब आपको देते हैं हरिद्वार महाकुंभ की A to Z जानकारी टू द पॉइंट। पहले आपको बताते हैं कि हरिद्वार महाकुंभ कब से कब तक चलेगा। कोरोना वायरस के चलते इस बार कुंभ मेले की अवधि घटा दी गई है। इस साल यह कुंभ मेला 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ही चलेगा। इस 30 दिन की अवधि में कब कब होंगे शाही स्नान, इस बार 12 अप्रैल 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को शाही स्नान के साथ कुंभ मेले की समाप्ति हो जाएगी। वैसे तो एक शाही स्नान 11 मार्च महाशिवरात्रि के दिन भी आयोजित किया जा चुका। इस 30 दिनों में लाखों करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। तो ऐसे में हरिद्वार कुंभ मेले की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, वह नंबर है 1902, जिसके माध्यम से देश प्रदेश के लोग कुंभ मेले की व्यवस्था से संबंधित सारी जानकारियां एक ही जगह प्राप्त कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से श्रद्धालुओं को रूट प्लान, डायवर्जन, पार्किंग, निकटवर्ती घाट, पंजीकरण प्रक्रिया, COVID-19 दिशा निर्देश, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं हरिद्वार के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी एक ही जगह पर आसानी से मिल जाएगी। अगर आपके मन में भी कोई सवाल उठता है तो आप भी इसी नंबर पर कॉल करके अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। बिना मास्क के अगर आपको कोरोना हुआ तो वो बहुत फेटल होगा। कुंभ को सुरक्षित बनाने के लिए और कुंभ को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे अखाड़े के सभी महामंडलेश्वर और सभी लोग मास्क पहन रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगी कि मेला क्षेत्र में सभी मास्क पहने। जय श्री महाकाल और कुंभ 2021 हरिद्वार को भव्य, दिव्य और कोरोना मुक्त बनाए। जय श्री महाकाल। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन लोग हरिद्वार महाकुंभ में गंगा स्नान करने जा सकते हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि 1 अप्रैल से हरिद्वार कुंभ में उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी जो 72 घंटे पहले की कोरोना RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाएंगे, और जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है अगर वे अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उन्हें मेला में एंट्री आसानी से मिल जाएगी। यह फैसला सिर्फ बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के स्थानीय लोगों पर भी लागू होगा। उन्हें भी अपनी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को हरिद्वार कुंभ की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा और आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। उसके बाद ही मेले क्षेत्र में उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। 1 अप्रैल से विधिवत कुंभ मेला शुरू करने की तैयारियां आखिरी चरण में हैं। कुंभ मेले को लेकर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया था। हालांकि मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत ने बिना टेस्ट के ही कुंभ में आने की इजाजत दे दी थी।
मुख्यमंत्री ने कहा था कि 12 साल में आने वाले इस धार्मिक मेले में लोग बेरोक टोक आ सकेंगे। हालांकि उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के सख्त अनुपालन के लिए भी आदेश दिए थे, लेकिन अब मेला प्रशासन ने सख्त और स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है। आदेश में साफ साफ लिखा गया है कि मेले क्षेत्र में आने वाले हर शख्स को 72 घंटे पहले की कोविड-19 नेगेटिव जांच रिपोर्ट या टीकाकरण रिपोर्ट लाना अनिवार्य हो। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जो भी आएंगे उनको 72 घंटे पूर्व तक की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी अथवा वैक्सीनेशन रिपोर्ट। कोर्ट के इस आदेश से यह तो स्पष्ट है कि मेला क्षेत्र में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो 72 घंटे पुरानी कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेकर आता है, चाहे वो दूसरे राज्य का व्यक्ति हो चाहे स्थानीय। हरिद्वार महाकुंभ के शाही स्नान पर भीड़ प्रबंधन के लिए मेला पुलिस ने एक चक्रव्यूह भी तैयार किया है। दरअसल पुलिस ने गंगा घाट पर भारी भीड़ के दबाव को रोकने के लिए 5 बल्लियों से होल्ड अप एरिया तैयार किया है। इसे चक्रव्यूह नाम दिया गया है। भीड़ बढ़ने पर श्रद्धालुओं को इस चक्रव्यूह से गुजारा जाएगा। भीड़ के हिसाब से पुलिस टीम गंगा घाट खाली कराती रहेगी। कुंभ में भीड़ प्रबंधन मेला पुलिस की प्रमुख चुनौतियों में से एक है। शाही स्नान पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ गंगा स्नान के लिए पहुंचती है, जिससे भगदड़ का भी खतरा रहता है। इससे निपटने के लिए कुंभ मेला क्षेत्र में खाली मैदानों में होल्ड अप एरिया बनाया गया है। हरकी पौड़ी के नजदीक रोड़ी बेला वाला सबसे ज्यादा भीड़ क्षमता वाला एक मैदान है, इसलिए यहां बनाए गए होल्ड अप एरिया को चक्रव्यूह के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें जिग जैग तरीके से गुजरते हुए श्रद्धालु धीरे धीरे गंगा घाटों की तरफ बढ़ेंगे। इस चक्रव्यूह का एक ट्रायल भी हुआ था, जिसमें भीड़ के रूप में लगभग 1000 अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवानों को चक्रव्यूह में डालकर यह देखा गया कि पुलिस बल को घाट खाली करवाने में कितना समय मिल सकता है। हालांकि चक्रव्यूह में थोड़ी थोड़ी दूरी पर सामने के घाट पर स्नान करने जाने के लिए रास्ते दिए जाएंगे, ताकि जो भी श्रद्धालु चक्रव्यूह से निकलकर नजदीकी घाट पर स्नान कर वापस जाना चाहता है तो वो आसानी से जा सके। इस चक्रव्यूह में बूढ़े, बीमार और अशक्त श्रद्धालुओं को चक्रव्यूह में न डालकर उनके लिए अलग से मार्ग की व्यवस्था की जाएगी। वैसे तो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को, गर्भवती महिलाओं को और 10 साल से छोटे बच्चों को कुंभ मेले में न आने की एडवाइस दी गई है। वहीं चक्रव्यूह में पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। चक्रव्यूह को अच्छे से चलाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की ड्यूटी लगाई जाएगी, लेकिन यह एक चुनौती बन चुका है कि करोड़ों की तादाद में आने वाले श्रद्धालुओं को हरिद्वार प्रशासन कैसे कंट्रोल कर पाता है। वैसे तो पूरे हरिद्वार में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी तरह के इंतजाम किए जा चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपका कुछ सवाल रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो 1902 पर कॉल करके भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।